Silence, please. Please have a silence. Our honorable Vice Chancellor, sir, Professor Dr. Bhuta Singh Sidhu has arrived. So, on the behalf of Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University, Bathinda, Punjab, I extend a warm welcome to all of you. एक बार चुप कर यार पीछे तो ना सर माइक से बोलो शुरू करने के प्रेस कॉन्फ्रेंस काइंडली तो कौन मारो सर कैन प्लीज स्टार्ट आप स्टार्ट करें सर यहां ही चलता रहेगा अर्जुन जी थोड़ा पीछे करो वीरे यूनिवर्सिटी महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी इधर पंजाब गवर्नमेंट टेक्निकल University, which is offering various courses. So, now I will request our honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Bhuta Singh Sidhu ji, to start this press conference. आगे आ जाए सर ये माइक ठीक है भाई जी आ रही है सर सबकी लीड लगी है सर चलिए सर चलिए जी सर तो भाई मैं महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी आए हैं सारे ने वेलकम करता थैंक्स करता सर इधर आओ प्रेस का या मीडिया का है अगर मीडिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या कोई यूनिवर्सिटी है उन्होंने अगर अभी प्रॉपरली अगर सारे बच्चों तक सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचाने सर माइक आनी है मीडिया के माइक आनी है कलैबोरेट कर लेना तो वो है कि जिन्हें मैंने भी सुने थे सागे वाली गल हो जाती है अज का जोड़ा सा पर्पज है इस प्रेस हेलो जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे है उन्होंने पास जो भी स्कॉलरशिप स्कीम्स है जिहड़े कोर्स असी रन कर रहे हैं उसके बारे जानकारी देवे जिदा पहला दस चुके हैं कि जी साड़ी यूनिवर्सिटी है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है क्योंकि उस तो पहला 2015 के यूनिवर्सिटी बनी है उस तो पहले एको ही पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से PTU जिदे थ्रू इंडिया सारे लर्निंग सेंटर से जो डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्राम चलते थे पर क्योंकि उस तो बाद जो UGC दी रेगुलेशन आई जो गाइडलाइनस आई उस जरिस्ट्रिक्शन फिक्स हो गई और पंजाब गवर्नमेंट ने भी एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया कि ताकि जो साढ़े जिन्हें कॉलेज है या जिन्हें स्टूडेंट्स पंजाब स्टेट के आते हैं उन्होंने अगर प्रॉपर एजुकेशन देने वास्ते और वो यूनिवर्सिटी का बर्डन घटाने वास्ते जी PTU सी उन्होंने दो यूनिवर्सिटी के बाइफ्रिकेट कर दिता गया एक जी यूनिवर्सिटी हैगी IKG PTU जिद सारा दुआबा तो इस साइड के जो कॉलेज है वो एफिलेटेड है और जी दूसरी यूनिवर्सिटी बनाई महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो वो तो ज़्यादातर जो मालवा खेत्र है उस वे क्योंकि टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट 11 डिस्ट्रिक्ट जिहड़े दोनों यूनिवर्सिटी में डिवाइड करके ताकि प्रॉपरली सारे कॉलेजों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना है उन्होंने जो लैब्स है बाकी मटीरियल है या फैकल्टी है वो असी प्रॉपर केंद्रित कर सकी उस करके गवर्नमेंट ने दो यूनिवर्सिटियां बनाइया और साड़ी यूनिवर्सिटी का भी जो मेन मैंडेट है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी होने करके जो प्रोफेसनल कोर्स है उन्होंने वास्ते तो अज का जो पर्पज है अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उस भी किसी कोर्स रन कर रहे हैं किन्ने साढ़े को इंस्टीट्यूशन है ता कि जो इस स्टेट के बच्चे है जो स्टूडेंट्स है जो उन्होंने पेरेंट्स है उन्होंने को जी इनफॉरमेशन है वो थोड़े लोगों के थ्रू ही जानी है प्रेस के थ्रू या मीडिया के थ्रू तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने करके सारे जो जिन्हें भी गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप है वो एप्लीकेबल है बहुत ज़्यादा स्कीम्स है जिद बच्चे फ्री ऑफ कोर्स ईवन बहुते इदा के स्कॉलरशिप है जिद रहन वास्ते भी जरा रीइंबर्समेंट हो जाती है तो टोटली जी एजुकेशन फ्री हैगी है तो सब तो पहला आता कि जेडे इंडिया एप्लीकेबल है जिदा SC ST स्कॉलरशिप हो गया OBC जो बच्चे है उन्होंने वास्ते स्कॉलरशिप स्कीम्स हो गई और वो स्पेशली जो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे है उन्होंने वास्ते सेंट्रल गवर्नमेंट तो भी जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है वो वालों भी हर एक डिसिपलन के जिदा कि एक इंस्टीट्यूशन है वो साढ़े को 10 तरह दीट्स है तो हर एक 3 या 4 स्कॉलरशिप
मतलब जिसे कोई ट्यूशन फीस नहीं, सारी की सारी जी है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने पे करनी है, तो उस तरह दी स्कीम्स भी है, अगर बच्चे चाहन तो उसे भी दाखिला ले सकते हैं। पर क्योंकि जिन्ना जल्दी असं अपनी रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी वैबसाइट पर कर लाँगे उन्ना जल्दी सानू उस स्कीम्स का बेनीफिट मिल जू, अदरवाइज की है कि जिन्ना असं डिले करी जावे तो उस तो पहला जो स्कॉलरशिप वाली सीट्स फिल हो जाए तो फिर जीडिया सूँ फुल फीस से ही दाखिले मिलते हैं। तो साडा जो पर्पज है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि हम जो अज का सनारीओ है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने करके सब तो पहली गल है कि जो भी थानू इतने असं इनफोरमेसन देवे जो साड़ी वैबसाइट के उपर इनफोरमेसन है वो बिल्कुल एथिकली करेक्ट होगी, क्योंकि अदरवाइज की है कि बहुते ज़्यादा उस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई जिहड़ियां एक बारी बच्चों अपनी वैबसाइट के थ्रू या अपने कोई उन्होंने जिन्ना कोई एजेंट्स है उन्होंने थ्रू इस तरह दी स्कीम दस देंगे जिहड़ियां एक्चुअल बच्चे फैसिलिटीज उत्ते जाके नहीं मिल रही। तो यह क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने करके जो असं गलबात कर रहे हैं एज सच सारी स्कॉलरशिप हर एक चीज़ उस तरह एप्लीकेबल होगी। बहुत वधिया साडा कैंपस है, क्योंकि असं वैबसाइट का एड्रैस देवे बच्चे वो जाके विजिट कर सकते हैं, विजिट करके सारे कैंपस का व्यूज देख सकते हैं, फैकल्टी बारे बाकी चीज़ों बारे डिटेल देख सकते हैं। और जो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से सानू कोल बहुत ज़्यादा जिहड़े ब्लेंडेड मोड के प्रोग्राम है जिहड़ियां बाहर दी यूनिवर्सिटी के नाल साडे टाई अप है जिते टू प्लस टू है या थ्री ईवन रीसेंटली साइन वन एम ओ टू विद वन ऑफ द लीडिंग USA यूनिवर्सिटी है जी वेन स्टेट जी मिशीगन के हैगी है। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द टॉप रैंकर यूनिवर्सिटी इन USA। तो वो जी सा कलैबोरेशन हुई है उस यूनिवर्सिटी ने जो भी असी बच्चों क्रेडिट्स देवे जो असी बच्चों पढ़ावे वो सारे के सारे वो रिकोगनाइज करते हैं। तो जे बच्चा तीन साल साढ़े को पढ़ता है बीटेक की डिग्री तो सिर्फ एक साल अगर उन्हें जाके USA पढ़ना है तो उन्होंने उतों की डिग्री मिलनी है जिड़ी कि चार साल का कोर्स है विच इज़ ए फोर ईयर कोर्स। ओनली वन ईयर द स्टूडेंट और हैव टू स्पेंड एट वेन स्टेट यूनिवर्सिटी। तो जिड़ी चार साल की अंडर ग्रैजुएट की डिग्री है उस यूनिवर्सिटी ने देनी है। तो उस तरह 3+2 का प्रोग्राम है जिसे 3 साल अगर बच्चा इंजीनियरिंग साढ़े को लाता है तो 2 साल उत्थे जाके पढ़ता तो अंडर ग्रैजुएट की डिग्री भी देने जिदा बीटेक की डिग्री होगी तो प्लस मास्टर्स की डिग्री। तो वो अगर असं कंपेयर करिए जी कली फीस है वो फीस का ही जी सेविंग है 1 करोड़ के आसपास, क्योंकि अदरवाइज जो बच्चा 3 साल उत्तर पढ़ता है उत्तर जाके इंटरनेशनल फीस पे करता है तो बहुत ज़्यादा फीस पे करनी बनती है। और वो की है कि वह एडवांटेज यह है कि असं हम बच्चों प्लस टू तो बाद जो बहरली यूनिवर्सिटी भेज देने तो उत्थे जाके कोई ना कोई डिप्लोमे का कोर्स कर जो कि डिग्री का कोर्स नहीं है तो डिप्लोमे का कोर्स करके उन्होंने जॉब जो उस तरह दी मिलती हैं वो उत्तर लिविंग स्टैंडर्ड या उसका स्टेटस उस तरह का रहता है। पर जे वो इस प्रोग्राम के अंडर जाता है तो साडा कनेडा की यूनिवर्सिटी के नाल भी अगर है USA की यूनिवर्सिटी के नाल भी अगे है जिसे कि अगर खर्चा फिर भी उन्ना ही होना है क्योंकि 2 साल जो इतने ला लू या 3 साल इतने ला लू पर बाहर उन्हें 2 साल का ही खर्चा है इंटरनेशनल फीस का तो वो सेविंग बहुत ज़्यादा तो जॉब बड़ी वधिया मिलेगी। ग्रेजुएशन की जी डिग्री अंडर ग्रैजुएट की होगी वो डिपेंड वैल्यू है एक तो यह चीज़ है जी मेन जो प्रोग्राम असी मैं कहना जो सा वेन स्टेट यूनिवर्सिटी के नाल जो MO2 महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का होया दैट इज़ अ वन ऑफ इट्स काइंड एट द नैशनल लैवल। किसी भी यूनिवर्सिटी के पहला इस तरह का कोई MO2 नहीं है जिते 3 साल इस यूनिवर्सिटी को पढ़ के तो 1 साल बच्चा उत्ते पढ़े तो उत्ते की डिग्री मिले किसी भी मैं इस वे एट द प्रेजेंट मूवमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी का MO2 नहीं है। तो साढ़े कुछ टीचर जोड़े उत्थे जाके सिलेक्ट हो गए उन्होंने जी कोई स्कीम माइक्रोवेट की हाँ भी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम है। अदरवाइज की है कि जितनी कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ है उत्थे इट इज़ कंपलसरी कि 50% जो क्रेडिट्स है 50% क्रेडिट्स कह लिए जा 50% जो सब्जेक्ट है वो बच्चों को उत्थे जाके पढ़ने पड़ते हैं। तो फिर वो जो सारे प्रोग्राम है 2+2 है कि 2 साल बच्चा इतने पढ़ूगा 2 उत्थे पढ़ूगा। तो दिस इज़ वन ऑफ इट्स टाइम के जितने सिर्फ 1 साल पढ़ के ही नंबर 1 नंबर 2 ते कि 2 साल बच्चा उत्ते पढ़ लूगा 2 डिग्रियां मिल गई बीटेक की डिग्री भी तो मास्टर्स की डिग्री एक तो ये जो बिल्कुल ही जी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी बड़ी कॉम्पिटेटिव है जितने जाके सर्च कर सकते हो। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी मिशीगन स्टेट्स के बच्चे है क्योंकि उत्ते ज़्यादा अगर असं मिशीगन स्टेट्स की गल करते हैं
ऑटोमोबाइल्स का कम ज्यादा है जिसे करके सी मेनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग है फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उहदे च ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਮਓਯੂ ਹੋਇਆ 2020 ਸੀਰੀਜ਼ ਇਨ ਈਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ 20 ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਸ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੀਕੇਬਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਟੋਨਮੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਟੋਨਮਸ ਕਾਲਜ ਬਣਾਤਾ ਦੈਨ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵਾਸ ਨੇਮਡ ਐਸ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 2015 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ 3 ਜਾਂ 4 ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਢਿੱਡਿਆ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ 89 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪ ਸੇ ਰਹੇਗਾ ਆਪ ਨੇ ਤੋ ਬਤਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਟੂ ਆਨਸਰ ਸਵਾਲ ਆਪ ਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਤੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਇਹ ਰਹੀ ਆਪ ਕੇ ਕਾਲਜ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਇਸ ਮੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਡਿਗਰੀ ਉਸਕੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਤੀ ਤੋ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਮਤਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਆ ਜਸਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਆ ਗਿਆ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਟੀ ਯੂ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 6-7 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਡੀਨ ਰਿਹਾ ਡੀਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਈਪਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਪਰਪਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਦੂਸਰਾ ਪਰਪਸ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਮ ਅ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੇ ਬੀ ਕਿ 6 ਮੰਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ 1 ਈਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਪਲੇਸ ਦੈਮ ਔਨ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋਬ ਰੈਡੀ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਓਯੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੇਸਡ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ 100 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ IAS ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ PCS ਦਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੂਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।